हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे सुले हुए एमसीबी बॉक्स में किस तरह से एमसीबी लगा करके कनेक्शन वायरिंग किया जाता है। जैसे कि इस एमसीबी बॉक्स में हमारा 5 एसी का सर्किट है और हमारा नॉर्मल लोड पावर बोर्ड का सर्किट है, तो यहाँ पर कौन सा सर्किट पर कितने एम्पेयर का हमारा एमसीबी लगेगा और यहाँ पर डीपीएमसीबी भी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं इसके अंदर कनेक्शन कैसे करें और कितने एमएम का कहाँ पे कौन सा वायर का यूज किया गया है, तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि इस एमसीबी बॉक्स का हम यहाँ पे कनेक्शन वायरिंग करेंगे और ये जो केबल वाला एमसीबी बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके लिए अलग मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, बना दूंगा। यहाँ इस एमसीबी बॉक्स के अंदर एमसीबी लगाएंगे और कनेक्शन करेंगे, वायरिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी वायर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारा ब्रांच वायर है, यानी सर्किट वायर है जो हमारे रूम, बाथरूम, किचन, हॉल से आ रहा है या एसी का सर्किट है। इसके अंदर केबल टाई से हम वायर को इस तरह से इकट्ठा लॉक कर दे रहे हैं और जो केबल टाई का हमारा बड़ा लूप बच रहा है उसको इस तरह से प्लायर से कटिंग कर दिया और इस वायर को हम यहाँ पे इस तरह से इस साइड ले लेंगे। अब यहाँ पे हम एमसीबी लेंगे, यहाँ पे 5 हमने एमसीबी दिया है और ये 25 एम्पेयर का है, यानी 25 एम्पेयर का है और 5 हमारा एसी का सर्किट है इसके अंदर, इसलिए हमने 5 एमसीबी यहाँ पे 25 का लिया हुआ है। और ये 5वें एमसीबी एसी का जो सर्किट है उसमें कनेक्शन हमारा हो जाएगा और ये सिंगल पुल की एमसीबी है, तो यहाँ पे 5 एमसीबी हमारा फिटिंग हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 7 एमसीबी लिए हैं और ये हमारा 16 एम्पेयर की एमसीबी है जिस पे आएगा हमारा जो ऐसे कि जो रूम है या किचन है या बाथरूम है, जैसे पावर बोर्ड होता है, जैसे बाथरूम से हमारा गीजर हो जाता है या किचन से हमारा इंडक्शन माइक्रो ओवन हो जाता है, तो उन सब सर्किट के लिए हम 16 एम्पेयर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे रूम से आ रहा है तो पावर बोर्ड भी है, नॉर्मल बोर्ड भी है, तो उन सब सर्किट के लिए यहाँ पे 7 एमसीबी हम लिए हैं जो हमारा 16 एम्पेयर का सिंगल पोल की एमसीबी है। और यहाँ पे हम जो रेल पट्टी है एमसीबी बॉक्स का उसमें हम एमसीबी को लॉक कर दिए यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 2 एमसीबी जो सिंगल पोल की है और 10 एम्पेयर की है। ये 10 एम्पेयर का 2 एमसीबी हमने क्यों लिया है, एक सीढ़ी का सर्किट है जो 1.5 एम का वायर आया है और एक मोटर के लिए भी हमने 1.5 एम का वायर डाला है। जो मोटर है हमारा 1/2 HP का है, अगर 1 HP होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो 1.5 एम का सर्किट है उसके लिए हम यहाँ पे 10 एम्पेयर का एमसीबी लगाए हैं और जो हमारा 16 एम्पेयर का जो एमसीबी है उसके लिए 2.5 एम का सर्किट है और एसी के लिए भी हमने 2.5 एम का वायर डाला है क्योंकि जो एसी है हमारा 1.5 टन की है। अब ये जो वायर है हमारा एसी का सर्किट है जिसके ऊपर हमने टेप लगाया है, मार्किंग किया हुआ है, जो भी येल्लो का हमारा जो सर्किट है, जैसे येल्लो फेस है और ब्लैक हमारा न्यूट्रल है, ये एसी का सर्किट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे इस तरह से और न्यूट्रल लिंक में इसको कनेक्शन हम करने वाले हैं, कट करके वायर को छिलने के बाद ट्विस्टेड बना लिया और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। जो हमारा न्यूट्रल लिंक है इसके अंदर इस तरह से कनेक्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह से जो भी हमारा एसी का सर्किट है, जो हमारा न्यूट्रल है, उन सबको सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। जो हमारा 5 यहाँ पे न्यूट्रल है, 5ों न्यूट्रल को हम कनेक्शन करेंगे यहाँ पे सिर्फ एसी के सर्किट की और सीरियल बाई कर रहे हैं। 1 नंबर रूम, 2 नंबर रूम आप चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हम 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम न्यूट्रल की कनेक्शन करेंगे, उसके बाद फेज का कनेक्शन करेंगे जो एसी का ही होगा, उसके बाद हम नॉर्मल लोड का कनेक्शन करेंगे। जैसे ही हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया, अब यहाँ पे फेज लेते हैं, इसमें हमारा मार्किंग है कि किस रूम से ये सर्किट आ रहा है, तो यहाँ पे हम उस रूम का कनेक्शन कर रहे हैं जो हमें इसी एमसीबी से ऑन ऑफ करना है। यहाँ पे फेज का इस तरह से वायर इसके अंदर डाल करके इस एमसीबी से कनेक्शन हो गया। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, और जो हमारा यहाँ पे फेज लाइन है सबको यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं, बस मेजरमेंट करना है परफेक्ट एमसीबी के अंदर हमारा चला जाए और कनेक्शन हो जाए। यहाँ पे 5ों जो हमारा एसी का सर्किट है उसका कनेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल लोड है उसका न्यूट्रल वायर लेते हैं और यहाँ पे मेजरमेंट करके हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे 2 सर्किट को जो न्यूट्रल है एक साथ हम कनेक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, जो न्यूट्रल लिंक है एक राइट एक लेफ्ट साइड एक एक स्पेयर होल छोड़ दिया है इन फ्यूचर प्लानिंग के लिए। आप चाहें तो सबको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 सर्किट न्यूट्रल जो है एक साथ हम कनेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारा सर्किट है न्यूट्रल वाला सिंगल यूज करेंगे, यानी सिंगल वायर डालेंगे और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, जो 1.5 एम का जो न्यूट्रल का सर्किट है फिर उस दोनों वायर को एक साथ हम एक जगह पे कनेक्ट कर देने वाले हैं यहाँ।
यहाँ पे। तो जितना भी हमारा न्यूट्रल का वायर है यानी न्यूट्रल का सर्किट है उन सबको यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद अब आता है यहाँ पे फेज लाइन, यानी जो हमारा फेज का सर्किट है एमसीबी में कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये भी हम सीरियल बाय सीरियल कर रहे हैं, जैसे कि पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, आप चाहें तो जिस तरह करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारे पास सभी वायर पर मार्किंग है, टेप है, कट है, उसके आधार पर हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हम एमसीबी के अंदर हम इस वायर को डाल करके यहाँ पे कनेक्शन कर लिए, इसी तरह से दूसरा कर लेंगे, इसी तरह से तीसरा कर लेंगे, इसी तरह से चौथा कर लेंगे। जितना हमारा यहाँ पे सर्किट है सभी को यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 1.5 एम्पीयर के वायर के लिए हमने वो 10 एम्पीयर का एमसीबी लगाया है, तो उसको देख करके ही कनेक्शन करेंगे। ऐसे हम सीरियल बाय सीरियल यहाँ पे कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया, उसके बाद जो बड़ी अर्थ का वायर है इसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर लेने वाले हैं। जैसे ये वायर यहाँ पे आएगा, एक केबल टाई से यहाँ पे लॉक कर देते हैं ताकि वायर हमारा हिले नहीं, एक जगह पे इकट्ठा रहे। अब यहाँ पे एक वायर का बड़ी अर्थ का कनेक्शन करके इसको ड्राइवर से कस लिए, उसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना हमारा वायर है सबको यहाँ पे हम इस तरह से कनेक्शन कर लिए। इसी तरह से कनेक्शन कर लेना है जो हमारा अर्थ का लिंक है उसके अंदर बड़ी अर्थ का वायर। अब यहाँ पे डीपीएमसीबी हमें लगाना है, लेकिन इसके अंदर मेन सर्किट का वायर नहीं आया था, अभी वायर मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे रेड कलर का फेज लाइन है और ब्लू कलर का यहाँ पे हमारा न्यूट्रल है, अगर ब्लैक रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो ग्रीन कलर का वायर है वो हमारा बड़ी अर्थ का है। तो सबसे पहले बड़ी अर्थ का वायर क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थ का जो लिंक है इसके अंदर कनेक्ट कर दिए। तो अर्थ हमारा सब कनेक्शन कनेक्ट हो गया। अब इस वायर को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर हम डाल देते हैं। अब इसके बाद मेन एमसीबी हम लेते हैं यहाँ पे डबल पोल का, और ये एसपीएन एमसीबी है डबल पोल का। जैसे कि एक हमारा आइसोलेटर पॉइंट है और एक एमसीबी पॉइंट है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले मेन वायर को हम यहाँ पे छील लिए हैं न्यूट्रल फेस दोनों को कनेक्शन करने के लिए। अब यहाँ पे एमसीबी को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पे न्यूट्रल देखिए राइट साइड हम डाल रहे हैं, क्योंकि राइट साइड ही हमारा एमसीबी का आइसोलेटर पॉइंट है, तो इसी साइड न्यूट्रल का कनेक्शन होगा। और जो लेफ्ट साइड है हमारा एमसीबी पॉइंट है, तो इसके अंदर फेज लाइन का कनेक्शन होगा। इसके बाद आउटपुट में क्या करेंगे, फिर दो वायर लेंगे और 10 mm का वायर है हमारा इनपुट भी, और यहाँ से आउटपुट जो कनेक्शन कर रहे हैं ये भी हमारा 10 mm का वायर का टुकड़ा है। और जो ब्लू है हमारा यहाँ पे न्यूट्रल में हम यूज कर रहे हैं, अगर आपका ब्लैक कलर का वायर रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ये न्यूट्रल हम राइट साइड कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एसपीएन एमसीबी है तो देख करके ज़्यादा कनेक्शन करना जरूरी होता है। उसके बाद ये हमारा फेज लाइन का कनेक्शन हो गया, ये भी हमारा 10 mm का वायर है, यानी जो डीपीएमसीबी में कनेक्शन हुआ है इनपुट आउटपुट हमारा 10 mm का वायर है। और इस एमसीबी को यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे और इसको लॉक कर देंगे, यहाँ पे इसको ड्राइवर से ये लॉक हो गया। अब इसके बाद ये जो वायर है इसको थोड़ा सा मोड़ करके इसी के अंदर हम मोड़ करके डाल देते हैं। थोड़ा सा लंबा वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेयर रहेगा तो आगे चल के भविष्य में काम आएगा। और लूज किसी भी तरह का कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो ये न्यूट्रल हमारा डीपीएमसीबी से निकला है ये न्यूट्रल लिंक में यहाँ पे कनेक्शन हमारा हो जाएगा, जिससे जितना भी हमारा सर्किट है न्यूट्रल सब में हमारा न्यूट्रल मिल जाएगा डीपीएमसीबी के थ्रू। अब ये जो है हमारा सबसे पहले यहाँ पे फेज लिंक हमारा आता है जितना भी सिंगल पोल की एमसीबी है इसके अंदर कनेक्ट करने के लिए। तो ये जितना एमसीबी होता है उतना ये लगता है, इसमें एक ज़्यादा था तो हमने कटिंग कर दिया है यहाँ पे। अब सबको यहाँ पे इसके अंदर लगाना होगा, सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे और दोनों कॉर्नर में दो स्क्रू को सबसे पहले हमें टाइट करना होगा। जैसे एक राइट साइड कर लेंगे और राइट साइड कनेक्शन जैसे कि यहाँ पे टाइट हो गया हमारा, और उसके बाद लेफ्ट साइड भी टाइट हो गया। उसके बाद सभी स्क्रू को हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे, लेकिन बीच में क्या करेंगे, जो हमारा डीपीएमसीबी से फेज लाइन आ रहा है इसको बीच में हम कनेक्शन कर देंगे किसी एक एमसीबी के अंदर डाल करके, तो ये सब जगह पे कनेक्ट हो जाएगा। बीच में इसीलिए डालते हैं ताकि जो लोड है वो बराबर इसके ऊपर आए, ऐसे तो किसी भी साइड हम डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा फेज लाइन इनपुट भी हो गया सभी सिंगल पोल की एमसीबी में और कनेक्शन हो गया। और उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे स्क्रू है सबको हमने टाइट कर लिया है, ऐसा नहीं कि जो हमने टाइट नहीं किया, आपको टाइट कर लेना है। किसी भी तरह का कोई भी वायर लूज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरह से टाइट होना चाहिए। यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, जो हमारा डोर आता है उस डोर को लगा देंगे, यानी कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। तो अब इसका कवर देते हैं और कवर को हम यहाँ पे लगा देने वाले हैं इसके ऊपर। जैसे ये हमारा कवर है इसके अंदर इस तरह से डालते हैं, जैसे इसका बैक साइड ये है और इसको यहाँ पे इससे डालेंगे और यहाँ पे देख करके अच्छी तरह से सब आ जाए। जैसे ये हमारा पूरा फिटिंग हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे स्क्रू हम लेंगे और स्क्रू लेकर के इसको कस लेने वाले हैं। जैसे एक स्क्रू यहाँ लगा दिए, इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा हम यहाँ पे लगाएंगे
और उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे और स्क्रू ड्राइवर लेकर के इसको प्रॉपर तरह से फुल टाइट कर लेने वाले हैं, लूज नहीं होना चाहिए। एमसीबी बॉक्स के अंदर भी जो भी वायर है सबको हमने फुल टाइट किया है, कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी वायर लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम करता है, हीट होता है, फिर वो जल जाएगा, आग लग जाएगा। और इस एमसीबी बॉक्स का फाइनल हमारा कनेक्शन हो गया और इसका कवर वगैरह लग गया। अब आपको इसके अंदर इनपुट पावर सप्लाई इस एमसीबी बॉक्स से आ रहा है जिसमें हमारा केबल भी है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।